नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और रोजाना की तरह कोरोना की अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आपको बता दें कि अंबाला में पिछले 3 दिन से जिस तरह से संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेल्टा वेरियंट के केसेज जो है अब अंबाला में नजर आने लगे हैं, और पिछले 3 दिनों में जो केसेज सामने आए हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। और कहीं ना कहीं अब आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि कहीं ये तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं है। जब कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तब भी इसी तरह 1, 2, 3 करके केस जो है वो सामने आने लगे थे। तो वहीं आज की हम आपको जानकारी दे दें कि आज अंबाला जिले में संक्रमण का एक मामला सामने आया है, और जो कल केसेस सामने आए थे उन्हीं के कांटेक्ट में जो व्यक्ति हैं वो आए थे और उसी के चलते ये भी संक्रमित हुए हैं। कुल केसेस की अगर मैं बात करूं तो अंबाला में अभी तक 30,093 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, और एक्टिव केसेस की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब अंबाला में 7 एक्टिव केस हो गए हैं। 3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो 3 दिन पहले जब लगातार 4 दिन अंबाला में कोई केस सामने नहीं आया था, तो शायद स्वास्थ्य विभाग भी बड़ी राहत की सांस ले रहा था, लोगों में भी राहत की सांस थी कि अब शायद अंबाला कोरोना से मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ उस वक्त एक ही एक्टिव केस था और कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 3 दिनों में लगातार केस सामने आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो दोबारा 7 पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं दोबारा संक्रमण अंबाला में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमण भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बाजारों में लापरवाही भी बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक हो सकती है। ऐसे में बार बार हमारी गुजारिश स्वास्थ्य विभाग की आपसे यही गुजारिश कि बचाव के नियम आप भी जानते हैं, सभी बखूबी जानते हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है, जागरूक भी कर रहा है, मास्क को लेकर चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही उसके साथ साथ जारी है। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर अंबाला में कोरोना के कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब एक्टिव केसेस जो है अंबाला में 7 पर जा पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, और चिंता बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि चाहे हम पहली वेव की बात करें, दूसरी वेव की बात करें, शुरुआत इसी तरह से हुई थी, इक्का दुक्का केस जो है वो सामने आते थे, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है, वो चाहे पहली लहर हो दूसरी लहर, वो कहीं ना कहीं किसी से छुपी नहीं है। सभी ने वो खौफनाक मंजर देखा है और जाना है कि किस तरह से कोरोना ने देश भर में तबाही मचाई है, लोगों को अपनों को अपनों से दूर किया है, जिन परिवारों ने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है वो इसका दर्द बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में अब वक्त वही है कि लापरवाही ना बरती जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप नियमों का पालन कीजिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और जब भी घर से बाहर जाएं तो इन नियमों को जरूर याद रखिएगा, ताकि संक्रमण को आप तक पहुंचने से आप खुद रोक सकें। खबरों से जुड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।